चले आप लोग भी यहां पर आए, आप लोगों से भी बात करेंगे। इसलिए कई चीजें हमारे विरोधी, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शुभारंभ हो रहा है। आज अखबार के माध्यम से हम लोगों ने अपने विरोधियों को भी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है सबको न्योता देने का काम किया है। चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, सभी को। लेकिन आज इस मंच में आप देखेंगे हमारे विरोधी लोग एक भी नजर यहाँ नहीं आ रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं, आज रांची में बैठ करके सभी नेता लोग मिलकर के सरकार के खिलाफ में षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है। अजीब हालत, ये लोग आज सिर्फ अखबारों के माध्यम से सरकार के छवि खराब करने में लगी है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि गरीबों का हम पेंशन दे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का समस्या का समाधान करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पुरानी पेंशन हम लोगों के लिए लागू करें, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि 1932 का खतियान लागू हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण लगे। और आज इन प्रकार ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का और कोर्ट कचहरी का डर दिखा करके इनको लगता है कि इस राज्य का आदिवासी दलित कहीं से कमजोर नहीं है। अगर कमजोर है तो ये कोर्ट कचहरी इनको कराओ और वहीं ये लोग घुटना टेकेंगे। लेकिन ये भूल जाए कि अब वो लोग जो इनके सपने हैं उनको चूर करने की भी क्षमता आज हम में पैदा हो गई है। इनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने का भी काम हम लोग करेंगे। आज इस राज्य सरकार अपने काम के बदौलत इनकी आवाज को बंद करेगा, इनके षड्यंत्र को समाप्त करेगा। आज सरकार के योजनाओं के बदौलत आज घर घर में, गांव गांव में सरकार कोई ना कोई योजनाएं सरकार उन लोगों ग्रामीणों को दे रहा है, किसानों को दे रहा है। आज यहाँ सरकारी कर्मचारी से लेकर के ग्रामीण तक के चेहरे पर मुस्कान है। नहीं तो पिछले 5 साल को याद कीजिए, धरना प्रदर्शन करते थे तो कितना लाठियां खाना पड़ता था। आज सरकार लाठियां नहीं बल्कि सरकार को लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही। पहले हम सुनते थे कि विधायकों का, मंत्रियों का, और हमने देखा भी है कि अपनी समस्याओं को लेकर चाहे किसी भी दल का विधायक हो, किसी भी दल का मंत्री हो, सबका घर घेरा होता था और अपनी मांग के लिए लोग इकट्ठा होते थे। ये पहली बार ये देश में ये राज है जहां यहां पर जनप्रतिनिधियों का आभार स्वागत के लिए लोग घर घेराव कर रहे हैं। लेकिन इतना से खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है चलना 20 सालों में। यही वो मंच है जहां आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने का हजारों बार आह्वान कर चुके थे। लेकिन हम लोगों ने इस राज को पाने में 40 साल लगा दिया, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो 20 साल इन लोगों ने इस राज को बर्बाद किया ये 1.5 साल में ठीक होगा? आज इस राज के साथ चुनौती, अभी हम लोग सरकार बनाए नहीं कि कोरोना हम लोग को घेर लिया और जब सरकार कोरोना से बाहर आया तो ऐसा स्थिति विषम बारिश का हुआ कि राज सुखाड़ की स्थिति में आ गया। आज किसान त्राही माम है, बारिश अनठिकाना गलत गलत समय में हो रहा है। आज जितना भी धान लगा था वो धान अब घास का रूप ले लिया, अब वो घास क्या इंसान खाएगा? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।